Chalen ji, okay, let's begin now. yesterday we discussed basics about HTML and how we start working with HTML tags. और उसको HTML के अंदर वेब पेज बनाने के लिए हमें बेसिक्स क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है? सो टुडे बेसिकली आइडिया इज कि वी विल डू फ्यू प्रोग्राम्स जस्ट टू गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग और फिर उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट के ऊपर जो उसमें जो आपके लैब मैनुअल में दिए हुए उसके ऊपर काम करूँगा. HTML जो लैब मैनुअल मैंने शेयर ऑलरेडी किया हुआ आप लोगों के साथ, इट हैज़ मल्टीपल टास्क, तकरीबन 18 के करीब शायद हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने कहा वो तमाम टास्क आपको करने. कुछ चीज़ें बेसिक्स में अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ हाउ वी बेसिकली आर सपोज टू प्रोसीड विद दैट. उसके बाद फिर जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं उसके ऊपर काम करूंगा एंड वी विल ट्राई टू क्रिएट द फाइनल वेब एप्लीकेशन. अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो मेरे चैनल को उस पर ज़रूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें. जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो यू विल फाइंड कि मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं जिसको माया के ऊपर, ग्राफिक्स के ऊपर, एनिमेशन के ऊपर, वेब डेवलपमेंट के ऊपर, PHP, जावास्क्रिप्ट के ऊपर और ज़बरदस्त मल्टीमीडिया फोटोशॉप के ऊपर लेक्चर्स हैं. तो इस चैनल्स को आप विजिट कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत मुफीद और कारामद रहेगी. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है? सो एज यू ऑलरेडी हैव दिस, इसके अगर हम नीचे लैब टास्क में आ जाएं, the first task is that we just have to print a very simple name in a green color, okay? to uske liye hum kya karenge, we just come inside our editor, go inside the file and create a new. Now I am using php storm, you can use php storm website online available hai, php storm community karke aap search karenge, free mein download ho jata hai, no problem with that. Saath saath you can use brackets, code blocks, notepad++ ya koi bhi editor, to uski koi such shart nahi hai, to aap kisi ke andar bhi istemal kar sakte hain, ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगेन एडिटर के ऊपर कोई इशू नहीं था. आई विल नॉट बी आस्किंग कि आप किस पे काम करो, तो वो इशू नहीं है. कल एक दो किसी ने पूछा था बाद में मुझसे. ब्राउजर अगेन, एनी ब्राउजर यू यूज ऑल्सो इज कंपेटेबल, ठीक है? क्योंकि ब्राउजर का काम ही है कि वो आपके वेब पेजेस को आउटपुट जनरेट करके, उसको रीड करके, एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट दिखा. तो कोई भी ब्राउजर आप यूज करोगे कंप्लीटली फाइन, ठीक है? तो वो रेलिवेंट क्वेश्चन अब नहीं है कि सर हमें कुछ में यूज करना चाहिए. हाँ, आगे चल के जब हम PHP या React पे काम करते हैं तो समटाइम्स दे हैव सर्टन API कोड दैट आर मोर कंपेटेबल एंड सूटेबल फॉर क्रोम और फायरफॉक्स. दैट्स वाई मे बी कहीं वेबसाइट्स पे आप जाएं ना, पोर्टल्स जहाँ बने होते हैं वहाँ पे नीचे लिखा होता है रिकमेंडेड ऑन गूगल क्रोम और फायरफॉक्स, ठीक है? क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्टन APIs को या जो प्लगइन्स उसको सही से रेंडर नहीं कर पाता था. बट वी विल गेट टू दैट पॉइंट लेटर ऑन. सो व्हाट आई डू इज आई कम हियर, आई क्लिक अ न्यू फाइल. ओप्स, फाइल न्यू. So as soon as we click on the new file, it will give us what do you want to create. Now this is in PHP Storm. Any other application has a basically same process. Naya file banana hai. Isse pehle humne HTML file banaya tha. Jab aap isme HTML file banayenge to basically basic code wo khud hi likh dete hain. Lekin maine kaha ki hum koshish karte hain ki hum file new se start kare. To jab blank file pe click karoge to ab wo blank file banayega. Now PHP Storm doesn't know ki bhai aap kya banane ja rahe ho. Humne usko kaha yaar mujhe ek nayi file bana ke do. Maine kaha theek hai. कौन सी फाइल? तो मैंने दे दिया इसको नाम task1.html. अब हियर आई हैव गिवन इट द एड्रेस .html, ठीक है? अगर आप उसको पहले से बता रहे हो कि न्यू HTML फाइल बनाओ तो .html लगाने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपने उसको कहा कि ब्लैंक फाइल बनाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप किस एडिटर पे काम करोगे तो थोड़ा इसी हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है? तो हमने ब्लैंक फाइल बनाई, .html एक्सटेंशन लगा दी, नो प्रॉब्लम विद दैट. एज सून एज यू क्लिक ओके, नाउ इट विल अंडरस्टैंड कि यार ठीक है, हम लोग जो है ब्लैंक HTML फाइल के ऊपर काम कर रहा है. नाउ द टास्क वन रिक्वायर्स दैट यू राइट एन HTML कोड एंड / HTML, देन यू राइट समथिंग कॉल्ड बॉडी कोड एंड / बॉडी. उसके बाद अब इसमें आपने टेक्स्ट को प्रिंट करना, ठीक? तो टास्क वन रिक्वायर्स दैट यू कैन यूज अ टैग कॉल्ड फॉन्ट, ठीक? फॉन्ट कलर इज इक्वल्स टू, एज सून एज यू राइट कलर इज इक्वल्स टू, यू सी दिस के एक लिस्ट आया थी. सो दैट इज व्हाई समटाइम्स एडिटर्स यूज करना बहुत आसान हो जाता है. नोटपैड पे भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन नोटपैड में आपको सब चीजें लिखनी पड़ती हैं. एडिटर्स लाइक PHP स्टॉर्म और ब्रैकेट्स और कोड ब्लॉक्स, ये तीन, और विजुअल स्टूडियो, इसमें काफी हद तक कोड खुद ही आ जाते हैं. आपने कलर लिखकर एंटर किया, पूरा कोड आ गया यार कैसे होगा. तो व्हाट इट डज इज इट स्पीड्स अप योर थिंग, ठीक है? रिमेंबर वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स देन यू माइट नॉट हैव इनफ टाइम टू डू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. दैट इज आवर टारगेट, ओके? By the end of this month, January नहीं February के end में, we would be working on freelancing. I will be taking one class where we would try to get online projects. ठीक है, मैंने freelancing के ऊपर पहले बात की थी. I hope आपने freelancing के accounts already बना लिए. नहीं बनाया तो next week हम उसके ऊपर और बात करेंगे.
इन विच बेसिकली वी विल ट्राई टू सर्च फॉर एन वेबसाइट प्रोजेक्ट एंड वी विल सी कि यार हमें अगर वो प्रोजेक्ट मिलता है तो उसके क्या रिक्वायरमेंट्स और हम उसको कैसे बनाएंगे. तो व्हेन यू गो फॉर ऑनलाइन, रिमेंबर ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स में यू गेट अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम, समटाइम्स यू हैव टू डिलीवर एन एंटायर प्रोजेक्ट विद इन टू डेज. ठीक है, तो उसके लिए फिर हम किस तरीके से काम करें. तो एडिट दीज एडिटर्स व्हाट डू डू, बिकॉज थोड़ी थोड़ी चीजें वो खुद ही लिख लेते हैं ना, तो थोड़ा काम करने की स्पीड हमारी बहुत तेज हो जाती है. तो इसीलिए एडिटर्स आर ऑलवेज रेकमेंडेड, कंपलसरी नहीं है, रेकमेंडेड यार आपकी जिंदगी आसान हो जाए. कलर हो गया, ये डिफरेंट कलर सीक्वेंस वो खुद ही उठा के लेकर आ गया. मैं यहाँ पर रेड भी लिख सकता हूँ, ग्रीन भी लिख सकता हूँ, ब्लू भी लिख सकता हूँ, कलर्स के नाम भी लिख सकता हूँ, और आई कैन चूज एनी पर्टिकुलर कलर फ्रॉम हियर. इन दिस केस वी हैड टू यूज अ ग्रीन कलर, सो यू कैन गो एंड चूज फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर फ्रॉम हियर. डबल क्लिक ऑन इट तो ग्रीन लिखा हुआ आ गया. फॉन्ट टैग क्लोज किया, फॉन्ट टैग क्लोज हो गया. यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया अपना, या वेब सिस्टम्स क्लास. ओप्स, ठीक है, वेब सिस्टम्स क्लास हमने ग्लान. सिंपली टास्क वन कंप्लीट, कंट्रोल एस सेव किया. नाउ इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दिस कोड, अब जैसे अगर आप ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं तो मैं उसको भी इंस्टॉल करके नेक्स्ट क्लास में ब्रैकेट्स भी शो कर दूंगा, उसमें यहीं पे लाइव व्यू अवेलेबल है. लेकिन अगर आप इसमें चले जाएंगे आपके जूम आउट, कहां गया हमारा फोल्डर, डी ड्राइव इसके अंदर एक हमने फोल्डर बनाया था. ठीक, वेयर एवर यू हैव सेव्ड योर प्रोजेक्ट मेक श्योर यू गो इनसाइड दैट फोल्डर. इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली इट शुड बी दिस फोल्डर. यहां पे टास्क वन हमारे पास फाइल आ गई. ठीक है, तो मैंने टास्क वन के ऊपर जाके डबल क्लिक किया, मेरा वेब सिस्टम्स एंड इंजीनियरिंग इन ग्रीन कलर प्रोबेबली डिस्प्ले हमारे पास हो गया. सो यू कैन सी दिस ग्रीन कलर में टेक्स्ट आ गया. सो दिस इज आवर टास्क वन कंप्लीट डन. सिंपली इतना करना था और कुछ भी नहीं करना. एक सिंपल सी हमें वेबसाइट बनानी है, एक सिंपल ये वेब पेज बन गया, वेबसाइट नहीं इसको हम वेब पेज कहते हैं. मेरा एक सिंपल वेब पेज बन गया जिसमें मेरा नाम आना चाहिए ग्रीन कलर से. अब मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एस किया, मैंने इस वाले एरिया को उठाया, इसका स्क्रीनशॉट लिया, वर्ड की फाइल हमने ओपन की. ठीक है, और उस वर्ड की फाइल में जाके मैंने अपना ऊपर नेम लिख दिया, मैंने अपना रोल नंबर लिखा, एंड देन मैंने टास्क वन किया और मैंने पेस्ट कर दिया. सिंपल एज दैट, ये आपके टास्क वन की सबमिशन हो गई. इसी फाइल के अंदर अब टास्क टू, टास्क थ्री, टास्क फोर, जितने भी टास्क आपके और प्रोजेक्ट्स हैं एचटीएमएल का पूरा कंप्लीट करोगे. Once this file is complete, we go inside something called file, save as, and we save this file as a PDF. So on this PC, there's an option called PDF. Mostly Word के अंदर now this option is by default built-in. If you already know, excellent. If you don't know, आप save as में जाके इसके जो format है, you can change that into PDF. अब आपका format PDF के अंदर save हो जाएगा. PDF में इसीलिए save करा रहा हूँ क्योंकि LMS पे जब आपको assignment submission होगी, it requires that your file is saved in PDF format. तो आपका आराम से एक assignment complete हो गया. ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास टास्क वन कंप्लीट हुआ. फैंटास्टिक, लेट्स गो बैक हियर. टास्क टू कहता है कि भाईजान एक पैराग्राफ लिखे हैं, उसमें सर्टेन जगहों पे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है. हमने कहा ठीक है भाई, वापस आ जाते हैं अपने पीएचपी स्टॉर्म के अंदर. नाउ फॉलो द सेम प्रोसेस. फाइल में गए, हमने न्यू पे क्लिक किया. आप यहां पे अब एचटीएमएल भी कर सकते हैं अगर बेसिक आइडिया हो गया है. मैंने दोबारा फाइल पे क्लिक किया, मैंने इसको नाम दे दिया टास्क टू डॉट एचटीएमएल. ओके, एंड ये हमारे पास टास्क टू डॉट एच टी एम एल फाइल क्रिएट हो गई. इसके अंदर भी नाउ वी स्टार्ट विद द सेम थिंग. वी नो दैट वी हैव टू राइट द कोड विद एच टी एम एल. वी हैव टू गिव इट समथिंग कॉल्ड अ हेड टैग. देन आफ्टर द हेड टैग वी हैव टू गिव इट समथिंग कॉल्ड बॉडी टैग. तो एवरी एच टी एम एल फाइल नीड्स टू हैव दीज थ्री टैग्स एज इट इज. तो ये हमें ब्रेड एंड बटर होना चाहिए कि यार एच टी एम एल के अंदर ये तीन स्टैंडर्ड देने हैं. भले आप हेड यूज नहीं भी कर रहे, जैसे पहले में नहीं था, आउटपुट फिर भी आया, कोई इशू नहीं है. लेकिन रेकमेंडेड है कि यार आप प्रैक्टिस में इस चीज को भाई फॉलो करो. हमने कहा ठीक है, हेड के अंदर हम एक चीज दे देते हैं नोन एज टाइटल. टाइटल क्लोज किया, माय टास्क टू, कोई भी आपने टाइटल दे दिया, ये वो टाइटल है जो पेज के ऊपर हमें नजर आएगा. बॉडी के अंदर चले गए, बॉडी के अंदर आके मैंने यहां पर कह दिया कि भाई लेट मी हैव एच वन माय नेम. ठीक है जी, मैंने यहां पर एच टू कर दिया, रोल नंबर या वट एवर योर रोल नंबर इज, सो दैट यू हैव दिस इन योर असाइनमेंट. उसके बाद फिर हम आ जाते हैं पैराग्राफ के अंदर. अब नाउ इट रिक्वायर्स सर्टेन फॉर्मेटिंग टैग्स विद इन योर पर्टिकुलर पैराग्राफ. ओके, सो व्हाट वी डू, हमने कहा ठीक है भाई ये पैराग्राफ आ गया, इसमें मैं लिख लेता हूं दिस इज टेस्ट डॉक्यूमेंट. ओके, और फिर एक और ट्रिक हम यूज करते हैं एल ओ आर ई एम लोरियम के, और टैब प्रेस किया तो टेक्स्ट आ गया. ठीक है, अब अक्सर वेबसाइट के जब आप टेम्पलेट में जाएंगे तो वहां पे आपको लोरियम लोरियम लिखा हुआ होता है. लोरियम बेसिकली एक स्पेसिफिक कीवर्ड बनाया गया
जैसे आप OLORM लिखकर टैप प्रेस करेंगे तो सर्टन जिब्रिश टेक्स्ट, गार्बेज टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो बजाय कि मैं बैठ के लंबी चौड़ी राम कहानी टाइप करूं, या तो कॉपी पेस्ट कर लो कहीं से, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर नहीं, टेक्स्ट के ऊपर काम करना है। तो कोई भी नेट से पैराग्राफ उठाया किसी भी टॉपिक के ऊपर, आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर उसकी फॉर्मेटिंग कर दो। या फिर हजरत अंग्रेज ने एक और कह दिया कि यार इतनी मेहनत भी नहीं करो, आप सिंपली आके यहाँ पे लिखो लॉरियम और टैब प्रेस करो तो ये आपके पास आ जाएगा। ये HTML का फीचर नहीं है, ये ऐसी ब्राउजर्स एडिटर्स के अंदर दिया गया, ठीक है। तो कुछ में लॉरियम काम करेगा, कुछ में लॉरियम काम नहीं भी करता, क्योंकि ये HTML का फीचर नहीं है, ये ब्राउजर जो एडिटर्स हैं सॉरी इसका फीचर है। तो जब मैंने ये लिखा, कंट्रोल एस प्रेस किया, तो मेरी फाइल जो थी टास्क टू सेव हो गई। नाउ व्हाट आई डू इज आई गो बैक इनसाइड माय ब्राउजर फोल्डर, जहां पे मैंने फाइल सेव की थी वहां पे टास्क टू आ गई। इस पे डबल क्लिक किया, माय नेम, रोल नंबर और ये लंबी चौड़ी स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट आ गया। हमने कहा परफेक्ट, लेट्स वर्क विद द फॉर्मेटिंग ऑफ इट। अब इट फॉर्मेटिंग में वो ये कहता है कि भाई जब आप किधर गया, PHP इसमें आ जाए, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा दिस इज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, मैंने एंटर प्लेस किया और न्यू लाइन पे आ गया। हाउएवर ऑन द आउटपुट यू कैन सी इट कंटिन्यूज फ्रॉम देयर, तो न्यू लाइन क्यों नहीं आया। तो बाय डिफॉल्ट एज वी नो इन आवर कोडिंग, कैरेज रिटर्न जिसको हम कहते हैं, या एंटर की डायरेक्टली रिकग्नाइज नहीं की जाती। जावा के अंदर भी यूज समथिंग कॉल्ड बैकस्लैश एन, ठीक। C++ में बैकस्लैश एन हम यूज करते हैं, बैकस्लैश एन इज एस्केप कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स ए न्यू लाइन। सिमिलरली इन HTML इफ यू नीड टू हैव अ न्यू लाइन वी यूज समथिंग कॉल्ड BR, ठीक है जी। तो पहला एक और टैग हम यूज करते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, BR करके, ब्रेक लाइन, ठीक है। ब्रेक लाइन इसको सिंपली रीड किया जाता है, या समटाइम्स ब्रेक रिटर्न भी कहा जाता है। रिटर्न मींस एंटर की को एक्चुअली टेक्निकली रिटर्न भी लिखा हुआ है कहीं पे। तो ब्रेक रिटर्न का मतलब ये कि यहां पे ब्रेक करके रिटर्न हो जाओ न्यू कर्सर लोकेशन के ऊपर। अब BR का मैजिक ये कि BR इज वन ऑफ दोस रेयर टैग्स दैट हैज नो एंडिंग टैग। हमने अभी HTML पढ़ा था कि HTML का उसूल ये कि भाई एक स्टार्टिंग टैग होगा, एक एंडिंग टैग होगा। ये एक कानून हमें ज़हन में रखना है कि ऑलमोस्ट 97-98% ऐसे टैग्स हैं, इनफैक्ट 99% सबके साथ क्लोजिंग टैग जरूर मौजूद है, सवाए चंद एक मखसूस टैग्स के जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। उनमें BR एक है, एक HR आता है, एक इमेज आता है। ये तीन कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। BR फॉर ब्रेक रिटर्न या ब्रेक लाइन या ब्रेक न्यू एंड लाइन के लिए, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। अब HTML5 पे जब हम आते हैं तो वो भाई कहता है कि ना आसान हो तो ब्रेक चाहिए, हमें तो एंडिंग टैग चाहिए। अब अगर एंडिंग टैग चाहिए और BR में एंडिंग टैग नहीं है तो हमने कहा अब क्या करना है भाई। तुमने कहा HTML5 ने कि यार एंडिंग टैग लगाओ, रिकमेंडेड है, शर्त तो नहीं है, लेकिन उसने हाथ जोड़ के गुजारिश की कि यार एंडिंग टैग लगाया करो, कहानी आसान रहती है। हमने कहा ठीक है, BR भाई के अंदर एंडिंग टैग है नहीं, तो उसने क्या किया, उसने कहा ठीक, अगर ऐसे कुछ टैग्स आपको मिलते हैं जिसमें कोई एंडिंग टैग नहीं है तो उसको फिर लिखने का तरीका कार कुछ यूं हो जाता है। व्हाट वी डू, वी राइट BR स्पेस बैकस्लैश क्लोजिंग। नाउ दिस टिपिकली रिप्रेजेंट एन HTML5 क्लोजिंग टैग विथ स्टार्टिंग टैग, मींस दोनों को मर्ज करके उसने एक कर दिया, तो BR हो गया। इसको लिखने का अगर आप नहीं भी लिखेंगे कोड सही काम करेगा, इवन HTML5 के अंदर भी, वो उस पर एतराज नहीं करता, लेकिन ये कन्वेंशन है, आपको कहीं कहीं BR बैकस्लैश ये मिलेगा। दिस मींस दैट योर टैग इज अ सिंगल टैग, इट हैज नो क्लोजिंग टैग। तो हमने सिंगल टैग को मर्ज कर दिया विद अ क्लोजिंग टैग, तो अब हमारा जहां स्टार्ट हो रहा है वहीं पर उसको हमने क्लोज कर दिया। ये BR के लिए भी है। एक और टैग आता है HR, मैं अभी आगे कराता हूं। इमेज टैग है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सिंगल टैग। इसी तरह से कुछ और हमारे पास लेटेस्ट टैग्स हैं वीडियो वगैरह के, वो सिंगल टैग्स कहलाते हैं, आई फ्रेम वगैरह के, तो वी यूज बैकस्लैश विद इन दैट। नहीं भी यूज करेंगे कोई इशू नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर के दिस समटाइम्स ये अक्सर MCQ में भी आ जाता है, ठीक है। अक्सर MCQ या टेस्ट में हम कहीं बाहर अगर अप्लाई भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये वो एक टेक्निकल चीज है जो अक्सर लोग फिर स्किप कर जाते हैं कि यार कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनका क्लोजिंग टैग कोई नहीं है। अगर BR है तो BR हैज नो क्लोजिंग टैग टेक्निकली। However, in HTML5 standard, this is how we write a BR tag with a closing tag. ठीक, अब अगर मैं BR लिखकर S press किया, control S, browser में गया, यहाँ पे आने के बाद भाईजान को मैंने control R से refresh किया, तो this is a test document और बाकी की line नीचे हो गई, ठीक है। अब हमारे पास इसमें formatting में आ जाते हैं। Formatting में ये कहता है कि यार this is text document should be bold। मैंने कहा अच्छा, तो bold करने के लिए करते हैं H3 लगा दिया मैंने, या H4 कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, ठीक है। H4 backslash H4, ठीक है जी। अब इससे पहले हेडिंग हमने अलग से ऊपर यूज की थी,
अब मैंने हेडिंग को नेस्टेड करके पैराग्राफ के अंदर कर दिया, कंप्लीटली अलाउड, कोई शर्त नहीं, कोई रूल नहीं है। तो एक टैग के अंदर आप दूसरा टैग बड़े मजे से लिख सकते हो, चाहे वो कोई भी हो। तो पैराग्राफ के अंदर मैं हेडिंग लिख सकता हूँ, हेडिंग के अंदर मैं पैराग्राफ डाल सकता हूँ, कोई ऐसा शर्त नहीं है। आपने क्लोजिंग एंडिंग पे जाना है, क्योंकि वेब एचटीएमएल के अंदर क्लोजिंग एंडिंग असल शर्त ही है बस, बाकी कोई सा टैग कहां पे आएगा इसकी भी कोई कंडीशन नहीं है। इसी वजह से वी आर केपेबल ऑफ डेवलपिंग वेरी नाइस एंड नेस्टेड वेबसाइट्स, एक टैग के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, और हम जहां मुझे जो चीज रिक्वायर्ड होगी हम डाल देंगे। तो मैंने पैराग्राफ के अंदर हेडिंग डाल दिया, यार ये थोड़ा सा मोटा हो जाए। उसके बाद उसने कहा जहां लोरियम आपने लिखा है इसको अंडरलाइन कर दो। अब इन अ टिपिकल वर्ड, अगर मैं टिपिकल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर चला जाऊं, ठीक है, तो यहां पे अगर मुझे किसी टैग को अंडरलाइन करना है तो व्हाट आई डू इज आई क्लिक ड्रैग, तो एक एरिया को आपको सेलेक्ट करना लाजमी है। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर चले जाते हैं, इसके जो मेन्यू किधर गया यार, डिजाइन नहीं सॉरी होम, और फिर मैंने इस पर अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा तो जो एरिया, जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो अंडरलाइन हो जाएगा या बोल्ड हो जाएगा या इटैलिक हो जाएगा। तो अगेन इवन इन वर्ड वी नीड टू टेल वर्ड, यहां से शुरू करो, यहां पे खत्म करो और फिर उस पर ये फॉर्मेट अप्लाई करो। ये कर्सर लोकेशन वर्ड के अंदर भी आती है। यही चीज मुझे फिर जो है हमारे कोड के अंदर भी करनी होगी कि इफ आई नीड टू टेल दैट दिस लोरियम इज सपोज टू बी बोल्ड और इटैलिक, तो व्हाट आई डू इज आई गो बिफोर वर्ड, बैक स्लैश आई लगाया या फिलहाल अंडरलाइन कर लेते हैं, लोरियम के एंड में गए, बैक स्लैश यू कर दिया। Now this basically means के this word is encapsulated within a tag और वो tag हमारा underline tag है। अब जो भी इस underline के दरमियान में आएगा वो हमारे पास underline हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे आ गया, ये एक अजीब और गरीब word लिखा हुआ है, मुझे इसको bold करना है, तो मैं यहाँ पे आके B press करूँगा, B tag से bold, और जहाँ bold खत्म होना चाहिए वहाँ bold खत्म कर दिया। फिर मैं इधर आ गया, अब मुझे जो है ना ये एंटी एसपंच और पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे इस पूरे को करना है, तो मैंने इसको भी किया bold, ठीक, लेकिन साथ साथ इसको अंडरलाइन भी करना है तो मैं बैक स्लैश यू भी कर दिया। फिर जहां पे मुझे खत्म करना है वहां पे आके मैंने पहले बैक स्लैश यू लगाया फिर बैक स्लैश बी लगाया, तो अब डबल नेस्टेड टैग्स हमने कर दिया। मींस एक तरफ यू हैव अ बोल्ड एंड अंडरलाइन, जहां पे आपको खत्म करना है वहां पे बैक स्लैश यू एंड बैक स्लैश बी। अब ये भी HTML 5 का एक और स्टैंडर्ड है यार, इफ यू हैव स्टार्टेड विद बैक स्लैश बी और फिर दूसरा बैक स्लैश यू आया, तो जो सीक्वेंस में आपने स्टार्ट किया उसकी रिवर्स सीक्वेंस में आपको एंड करना है, ठीक, जो स्टार्टिंग सीक्वेंस है उसी को रिवर्स में एंडिंग करना है। मतलब ये हुआ, रूल नहीं है, ऐसे भाई की गुजारिश है, क्योंकि आखिरी में आपने यू यूज किया तो पहले यहां पे यू को बंद करो, फिर बी को आपने उससे ऊपर रखा था तो बी को उससे बंद करो, ताकि एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर और हायरार्की जरा इज्जत आबरू से बनी रहे। नहीं करोगे तब भी आपकी मर्जी। मजे की बात यह हुई कि इसको मैं अगर सेव करता हूं, यहां पे आ गया और ब्राउजर में, ठीक है जी, इसको हम कर देते हैं कंट्रोल आर, तो नाउ यू कैन सी दिस, वी हैव नेम, वी हैव रोल नंबर, वी हैव टेक्स्ट, एंड नाउ वी सी देयर इज अ स्पेस हियर। अब यहां पे एक स्पेस आ गया, ठीक, अब इसी स्पेस के लिए हमने हेडिंग यूज की थी। व्हाई देयर इज अ स्पेस, बिकॉज वी हैव यूज समथिंग कॉल्ड ए जूप्स कंट्रोल होम, बिकॉज वी हैव यूज्ड अ हेडिंग टैग। हेडिंग टैग के अंदर इनबिल्ट रखा हुआ है कि क्योंकि ये हेडिंग होगी तो हेडिंग से पहले और बाद में थोड़ा स्पेस होना लाजमी है। जैसे मैंने कहा था पैराग्राफ के अंदर भी देयर इज अ बिल्ट इन ऑप्शन ऑफ एडिंग ए स्पेस, ठीक है, तो व्हेनेवर वी स्टार्ट अ पैराग्राफ इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। तो जब हमने पैराग्राफ स्टार्ट किया तो इस एच टू के बाद एक न्यू लाइन स्टार्ट हुई, फिर उसके अंदर हमने हेडिंग दी तो वो हेडिंग ने भी अपनी एक लाइन एक्स्ट्रा एड की। इसी वजह से ऑन आवर आउटपुट वी बेसिकली सी देयर इज अ डबल लाइन गैप हियर, तो यहां पे एक लाइन पैराग्राफ की एड हुई, यहां पे हेडिंग आई और हेडिंग की लाइन ऐड हुई, ठीक है, और फिर उसके बाद एक बीआर हमने अलग डाला हुआ है, तो क्योंकि बीआर डाला हुआ है तो एक हेडिंग ने अपना स्पेस ऐड किया, एक बीआर ने स्पेस ऐड किया, फिर बंद हो गया। भाई कौन से जिन है इस क्लास में भाई, शुक्र, ठीक। अब ये स्पेस पे थोड़ा सा बात समझो, बिकॉज जब आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करने जाओगे दिस सम टाइम क्रिएट्स वेरी इरिटेशन, देयर आर अननेसेसरी स्पेसेस, तो हमें इस चीज का थोड़ा सा सिर्फ ध्यान में रखना है कि यार जब मैं पैराग्राफ यूज करूंगा पैराग्राफ हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। मैंने हेडिंग डाली, हेडिंग भी अपने बाद एक नई लाइन ऐड जरूर करता है, क्योंकि हेडिंग का भी यही है कि जहां हेडिंग आएगी उसके बाद एक लाइन होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली समझो कि बी आर हेडिंग में भी इंक्लूडेड है, ऑटोमेटिकली बी आर पैराग्राफ में भी इंक्लूडेड है। तो हेडिंग हमेशा खत्म होने के बाद एक लाइन ऐड कर देगा, पैराग्राफ भी हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। फिर जब हम अपने कोड पर आते हैं,
तो हमने अपने कोड के अंदर एक पैराग्राफ तो ये न्यू लाइन पे आया, देन वी गेव इट अ हेडिंग तो ये न्यू लाइन पे आया, फिर हमने br भी डाल दिया तो ये न्यू लाइन पे आया। तो नाउ इफ आई से यार ये डबल स्पेस जो आ रहा है हेडिंग के बाद मुझे इसको खत्म करना है, आई डोंट वॉन्ट दैट डबल स्पेस, तो मुझे फिर इस br को जो था खत्म करना होगा। देन आई सेड ओके, अब वो डबल स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि हेडिंग ने भी लाइन एड की, br ने भी एड की है। मैं br को खत्म कर दूंगा, कंट्रोल s किया, हम चले गए ब्राउजर में, यहां पे आने के बाद कंट्रोल r किया, तो अब वो लाइन का स्पेस नॉर्मल हो गया। सो जस्ट रिमेंबर दैट समटाइम्स एडिशनल स्पेसेस जो है ना बड़ा तंग करते हैं पेज लेआउट के अंदर। हमने कहा ठीक, फिर अंडरलाइन, जिस वर्ड को आप अंडरलाइन करोगे अंडरलाइन आ गया, जिसको बोल्ड करोगे बोल्ड किया, जिसको अंडरलाइन एंड बोल्ड किया बोल्ड आ गया। नाउ अब वही टैग्स जो बेसिक फिनोमेना था भाई कि HTML में अब हमें जो भी ऑपरेशन करना है उसका कोई ना कोई टैग है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन टेक्स्ट इमेज लिंक, हमारे पास ये टैग ऐड करने। तो जो टास्क टू था वो बेसिकली सिंपली यही है, दैट यू हैव टू क्रिएट अ सिंपल टेक्स्ट, यू कैन कॉपी दिस एंड यू विल नोट कि देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट आर अंडरलाइन, देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट आर अंडरलाइन बोल्ड इटैलिक एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, अब यहां पे एक चीज हम और भी कर लेते हैं, इफ आई कम बैक इनसाइड द कोड, व्हाट इफ आई वांट दिस टेक्स्ट टू स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू लाइन, आई थिंक मैंने कॉपी कर दिया कंट्रोल सी, इफ आई कम बैक हियर तो मैंने इसको भी एंटर प्रेस किया, फिर ये जो पैराग्राफ यहां से है इसको भी मैंने एंटर प्रेस कर दिया, इस क्वेश्चन को भी मैंने एंटर प्रेस कर दिया। सो आई वांट दिस टेक्स्ट टू अपीयर समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। प्रॉब्लम ये कि इसको मैं जब सेव भी किया ब्राउजर में, हम चले गए भाई यहां पे आके कंट्रोल आर किया, ओप्स ठीक है, तो सेम ही रहेगा हमारे पास, टेक्स्ट न्यू लाइन पे आया नहीं, हमें तो न्यू लाइन पे चाहिए, तो हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन पे नहीं आता, न्यू लाइन पे किसी भी कंटेंट को लाने के लिए वी नीड टू हैव समथिंग कॉल्ड br। ओके, सो वी नीड टू हैव br, तो हम आगे वापस हमारे कोड के अंदर, अब आइदर आई कैन इंक्लूड br, तो ये अब br का मतलब ये होगा कि मुझे इस लाइन के बाद यहां पे br एड करना होगा, ठीक, इस लाइन के बाद भी मुझे br एड करना होगा, इस लाइन के बाद भी मुझे br एड करना होगा, कंट्रोल s किया, नाउ गो इनसाइड द ब्राउजर, यार ये जूम वाली कहानी जो है ना बहुत तंग करती है, ठीक, एंड इफ आई हिट कंट्रोल r, तो नाउ ऑल माय कंटेंट्स आर बेसिकली ऑन अ न्यू लाइन, ठीक। सो दिस इज वन वे ऑफ ब्रेकिंग योर पैराग्राफ इनटू मल्टीपल लाइंस। ओके, यू कैन यूज पैराग्राफ टैग एवरी टाइम, बट रिमेंबर व्हेनेवर वी यूज अ पैराग्राफ टैग तो एक एक्स्ट्रा लाइन एड हो जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल यहीं पे इफ आई कम बैक हियर, मैंने कह दिया यार दिस इज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, दिस इज नॉट अ हेडिंग, ये भी टेक्स्ट का हिस्सा, ये सिर्फ बोल्ड होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा स्पेस मुझे नहीं चाहिए, ठीक, बिकॉज अगेन नाउ HTML का सारा मकसद है ही आपका स्ट्रक्चर करना डेटा को, और ये मैं डेटा डाल रहा हूं उसमें और मुझे डेटा की स्ट्रक्चरिंग सही चाहिए। आई सेड दिस इज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, बोल्ड भी हो गया, थोड़ा फॉन्ट बड़ा भी हो गया, बट मुझे उसको न्यू लाइन पे नहीं चाहिए, उसके बाद न्यू ब्रेक खत्म करो। मेरा कस्टमर कह सकता है कि यार आई डोंट नीड दैट, ये लाइन खत्म करो, स्पेस नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छा हुण की करिए, हमने जो है भाई इसमें डाल दिया था हेडिंग, ठीक है, br तो हमने खत्म कर दिया, और हेडिंग के अंदर इन बिल्ट ये चीज डाली गई है कि आपको क्या करना है, न्यू लाइन देनी है। तो इसका मतलब अगर मुझे वो लाइन खत्म करनी होगी तो अब मुझे यहां पे हेडिंग नहीं लगानी, मुझे इधर भी हेडिंग नहीं लगानी। हमने कह दिया ठीक है हम इसको कर देते हैं बोल्ड, और हम इसको भी कर देते हैं बोल्ड भाईजान, बैक स्लैश बोल्ड, बहुत अच्छी बात। वापस इधर आ गए, ब्राउजर पे गए, कंट्रोल r प्रेस किया, येलो बोल्ड हो गया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन नीचे वाली लाइन वापस अब ऊपर आ गई। क्यों ऊपर आई? क्योंकि हेडिंग हमने खत्म की, हेडिंग में बिल्ट इन बैक स्लैश था, तो जब आपने हेडिंग खत्म की तो उसका बिल्ट इन बैक स्लैश खत्म हो गया, जब बिल्ट इन बैक स्लैश खत्म हो गया तो भाईजान वापस अपनी ऊपर वाली लाइन पर आए, फिर हम वापस कोड में गए, अब मुझे वापस इधर लगाना पड़ेगा भाई br, ठीक है। तो अब ये छोटी सी चीजें हैं जो थोड़ा सा हमें स्ट्रक्चरिंग में याद रखनी होती है कि कहां पे मुझे लाइन ऐड करनी है, कहां पे कौन सा टैग होगा, किस तरह से यूज करना है, बाकी कहानी साड़ी ओकी डोकी। अब यहां पर आ गए, इधर आने के बाद मैंने इस पे आके कंट्रोल r प्रेस किया, तो दिस इज टेस्ट डॉक्यूमेंट, और नीचे ही उसी के पैराग्राफ कंटिन्यू हो रहा है, स्पेस खत्म हो गया। तो दीस आर स्मॉल माइनर थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, बाकी ऑल कूल। सो हमारे पास टास्क टू कंप्लीट हुआ, मैंने विंडो शिफ्ट s प्रेस किया और मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। हम आ जाते हैं हमारे पास जो वर्ड की फाइल हमने खोली हुई थी और ये डॉक्यूमेंट टू, इस पे आके मैं लिख दूंगा भाईजान टास्क टू और इसका भी स्क्रीनशॉट डाल दिया, हियर वी गो। तो हमारे टास्क कंप्लीट हो गए, जस्ट मेक श्योर देयर इज नो अननेसेसरी वाइट स्पेसेस,
अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल व्हाइट स्पेस है तो मुझे इसको भी खत्म करना है, तो ये बड़ा ठीक है छोटा सा सेव कर दें, क्रॉप कर दें ताकि आपके पास एक ही में आ जाए। आप एक ही साथ दो दो आउटपुट भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि 100 पेजेस बनाए, 18 पेजेस की फाइल बनाए, कोलाज बना के आगे पीछे करके रख लें। एब्सोल्युटली अप टू यू, सिंपली मुझे हमारे पास टास्क चाहिए। तो ये टास्क टू भी हमारा हो गया कंप्लीट। इसी तरह से बेसिकली यू आर सपोज टू गो एंड डू ऑल दीज टास्क। अब इन दिस टास्क व्हाट वी रिक्वायर इज दैट प्रिंट योर नेम ऑन एवरी लेटर बीइंग विद अ डिफरेंट हेडिंग साइज। तो यहां पे फॉर एग्जांपल हमने दिया हुआ है JOHN जॉन H4, H3, H2, H1। तो आपका जो नाम होगा आपने उसको डिफरेंट हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 से करेंगे। फिर वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर रहे हैं या वो रिवर्स में कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। सिंपली आउटपुट चाहिए, स्क्रीनशॉट लिया रखा। एज अ सेट छोटे छोटे से टास्क हैं। इफ यू कम हियर नाउ वी स्टार्ट क्रिएटिंग लिंक्स। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे लिंक बनाना बताता है। अब ये हुआ बेसिक फॉर्मेटिंग पैराग्राफ का। पैराग्राफ में एक चीज और रह गई मेरे, मैं वेरी क्विकली पहले उसको कंप्लीट कर दूं फिर आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ के साथ भाई एक और टैग भी मौजूद है प्री का। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैराग्राफ। व्हाट आई डू इज लेट मी कॉपी दिस एंटायर टैग एंड आई सेड ओके भाई ये हो जाओ कॉपी, और कॉपी पेस्ट हमारी वैसे जिंदगी आसान करता है बजाय कि मैं पूरा लिखूं। और मैंने इसको BR भी हटा दिया, मैंने यहां से भी BR हटा दिया, मैंने यहां से भी BR हटा दिया। ठीक है, और मैंने यहां से भी BR हटा दिया। डन, ठीक है जी। तो अब BR हमने हटा दिया, न्यू पैराग्राफ पर आ गए, कंट्रोल एस किया, वापस मैं आ जाता हूं हमारे ब्राउजर के ऊपर and which is this one, and if I come back here and hit a control R, ठीक है जी। तो जैसे control R किया, now you can see कि there are two paragraphs here. One is this is test document, पहला paragraph which को हमने BR करके new line में break किया था, ये दूसरा paragraph आ गया, लेकिन क्योंकि BR मैंने खत्म कर दिया तो it is now a consecutive single line. ठीक, तो ये दोनों चीजें repeat हो गई, दो paragraph आ गए। हमने कहा ठीक है, करना क्या चाह रहे हैं, करना ये चाह रहे हैं कि there is another tag called pre का। ठीक है, हिकड़ो असां जो प्री टैग आ PRE प्री, दैट्स इट, व्हिच इज प्री फॉर्मेटेड पैराग्राफ टैग व्हिच इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद पैराग्राफ एट सर्टेन पॉइंट। ठीक है, कहीं कहीं पे जिंदगी आसान करने के लिए हम प्री लगा देते हैं। प्री का मतलब ये कि ये टेक्स्ट प्री फॉर्मेटेड है, जैसे आपने लिखा है उसमें हर न्यू लाइन ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाती है। जैसे आपने एंटर प्रेस किया तो मुझे BR लिखने की नौबत नहीं आएगी, वो खुद ही इसको फॉर्मेट कर देगा। कहीं पर टेक्स्ट को आपने फासला दे दिया, स्पेसेस दे दिया, अच्छा बाय डिफॉल्ट इसमें स्पेसेस भी नहीं है काउंट होते। सो फॉर एग्जांपल इफ आई कम हियर, दिस इज टेस्ट डॉक्यूमेंट, तो वो स्पेसेस को कहता है इतने एक से दो स्पेस उठाता है, बाकी उठाता नहीं है। फिर हमें स्पेसेस के लिए स्पेशल कैरेक्टर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एक्सक्यूज मी, इसी तरीके से प्री के अंदर वो सारे स्पेसेस को काउंट करता है, जैसे आप फॉर्मेट करके लिखोगे उसी तरीके से। तो इसमें मैंने BR हटा दिया, सिर्फ प्री लगाया। इट इज अ पैराग्राफ टैग विद अ प्री फॉर्मेटिंग। प्री फॉर्मेटिंग मींस कि जिस तरीके से आप लिख रहे हो वो उसी तरीके से दिखाएगा, उसमें फिर आपको एक्स्ट्रा टैग्स लगाने की जरूरत नहीं है। सो आई सेव्ड दिस, कम बैक इनसाइड माय ब्राउजर, हिट अ कंट्रोल रिफ्रेश एंड दिस गेट्स आउटपुट। नाउ इन दिस यू कैन ऑलरेडी सी वी हैव ये नॉर्मल डा पैराग्राफ और ये प्री फॉर्मेटेड है। इसमें स्पेस नहीं आया, हालांकि मैंने इसके अंदर भी स्पेस एड किए थे, लेकिन यहां पे देखो स्पेस भी आ गया, बोल्ड इटैलिक एज इट इज आया और ऑटोमेटिकली कैरेक्टर्स न्यू लाइन पर आए, और इसका फॉन्ट भी चेंज कर दिया। प्री फॉर्मेटेड पर वो डिफॉल्ट फॉन्ट उठाता है सिस्टम का, ब्राउजर का जो फॉन्ट है वो उठा कर दे रहा था। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉन्ट एज वेल एज फॉन्ट साइज का भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दूसरा जो मेन इसमें डिफरेंस है कि देयर इज नो स्पेसेस हियर, हालांकि हमने कोड के अंदर स्पेसेस डाले हुए। सो इफ आई कम बैक हियर कोड, मैंने दोनों के अंदर स्पेस डाले हुए थे, तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं उठाता, जो टैग करोगे उस हिसाब से फॉर्मेट करेगा। प्री फॉर्मेटिंग कहता है कि अगर आपने थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग कर दी है मैं उसके हिसाब से काम करता हूं। तो ये दोनों टैग्स इस्तेमाल होते हैं। 90% मैंने जितनी वेबसाइट देखी वो पैराग्राफ इस्तेमाल करते हैं और फिर बाकी की फॉर्मेटिंग CSS से खुद करते हैं, तो कंट्रोल ज्यादा रहता है। ठीक है, प्री फॉर्मेटिंग क्योंकि जैसे आप लिख रहे हो वैसे आउटपुट आ रहा होता है, कहीं कहीं क्विकली मुझे चीजें दिखानी है, ज्यादा टैग्स लिखने नहीं है, तो हम उसको काम कर रहे होते हैं। बट मोस्टली वेबसाइट्स के जितने टेम्पलेट्स हमने यूज किए हैं they tend to prefer paragraph tags because then they can control that paragraph using CSS. So we'll talk about that later on. So बहरहाल ये मेरा दूसरा task complete हुआ। इसी तरीके से we will try to do 3, 4, 5, 6 different tasks. अब आ जाते हैं next के ऊपर। Now all these tasks basically require you to do the same thing. Certain points पे मैंने code add कर दिया है। Code add करने का मकसद ये कि so that क्योंकि अभी हम बहुत सारी चीजें कर भी रहे हैं, बहुत सारी चीजें cover नहीं भी हो रही, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट ईच थिंग्स आर डूइंग। मैं भी कुछ चीजें इसमें करवा देता हूं। ठीक है, इसी तरीके से टेबल हुआ, लिस्ट हुआ, अनऑर्डर्ड लिस्ट हुई, ये सारी फॉर्मेटिंग जो है इन सब का तकरीबन कोड लिखा हुआ है। गो थ्रू देम, ट्राई नॉट टू डायरेक्टली कॉपी पेस्ट, ट्राई टू रीड द कोड, अंडरस्टैंड इट एंड ट्राई टू फॉलो इट योरसेल्फ।
कुछ चीजें मैं अभी दोबारा कराता हूँ। सो हम आ जाते हैं नीचे वापस प्रोजेक्ट के ऊपर। अच्छा फॉर्म है, ये सिर्फ सिंपल एचटीएमएल फॉर्म फिलहाल डिजाइन करना है, इसकी बटन इवेंट हैंडलिंग हमने भी की नहीं है, दैट वी विल डू यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक, सो वी कम बैक इनटू आवर दिस मेन प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे काम कर रहा हूं। ओप्स, ठीक है जी, तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ गया। अब हमें बेसिक पहला प्रोजेक्ट हमारा एचटीएमएल का क्या था कि वी हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट फॉर आवर ओन प्रोजेक्ट, एक वेबसाइट बनानी है अपने प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए। हमने कहा ठीक, क्या करना होगा, हमने कहा जाते आ जाते पीएचपी स्टॉर्म के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर आने के बाद व्हाट आई विल डू इज आई विल गो इनसाइड वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, मेरी एक हेडिंग आनी चाहिए वेरी सिंपल, उसमें सब हेडिंग हो गई, नाम और रोल नंबर आ गया। नाउ डोंट वरी अबाउट द डिजाइन, इसमें अभी हमने कोई कलर ऐड नहीं करना, सिंपल एचटीएमएल वेब पेज है, सिंपल एचटीएमएल वेब पेज है, ठीक है, अभी हमने सीएसएस ऐड नहीं की। नेक्स्ट सीएसएस में जब हम जाएंगे तो इसी प्रोजेक्ट को हम पूरे सीएसएस के थ्रू डिजाइन करेंगे, तो कोड हमारे पास होगा, इसके ऊपर हम सीएसएस अप्लाई करेंगे एंड वी विल सी कि इफ यू हैव अ सिंपल एचटीएमएल उस पे जब सीएसएस अप्लाई करेंगे तो उसके डिजाइन को हम कैसे उठा के ले आते हैं, फिर अगर रिकोडिंग करनी पड़ी तो जहां रिकोडिंग हम वो करेंगे। सो फॉर नाउ वी जस्ट यूज अ सिंपल एचटीएमएल पेज, सिंपल, नथिंग एल्स, हाउ वी डिजाइन दिस पेज यूजिंग सिंपल एचटीएमएल। तो दिस इज, इफ यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड, यहां तक बात थोड़ी बहुत क्लियर हुई, तो ये हमारे पास हेडिंग आ गया, ठीक है, ये हेडिंग 2 आ गई, फिर ये आपके पास हेडिंग 4 या हेडिंग 5 आ, ठीक है, तो ये हेडिंग्स के टैग आ गए। अब आ जाते हैं यहां पे, ये वाला मेन्यू हमने कैसे क्रिएट किया, ओके, और उस पर हमने लिंक्स कैसे बनाए, ओके, और उसके लिए फिर हम आ जाते हैं अपने पेज के अंदर। यहां पे आने के बाद आई विल गो इनसाइड फाइल, आई विल क्रिएट अ न्यू, नाउ आई अंडरस्टैंड के यार व्हाट आई एम सपोज टू डू, मैं न्यू फाइल भी बना सकता हूं, मैं यहां पे आपकी बार न्यू एचटीएमएल फाइल बना रहा हूं, ठीक है, ताकि हजरत अंग्रेज ने जो कोड मेरे लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली आ जाए। तो मैं प्रोजेक्ट 1 करके यहां पे एंटर प्रेस कर दूंगा, आई विल गेट माय प्रोजेक्ट 1 कोड, ठीक है, जो इस प्रोजेक्ट के टाइटल में आके दे देते हैं प्रोजेक्ट 1, दिस इज माय वेब असाइनमेंट सबमिशन वेबसाइट, ठीक है जी, तो ये मेरी वेब असाइनमेंट, अच्छा ये वेब असाइनमेंट सबमिशन हो गई। वापस आ जाते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर आ गए, अब मुझे सबसे पहले भाईजान हेडिंग देनी है, हमने यहां पे आके लिख दिया H1, ओप्स, H1 आ जाओ, वेब सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी, तो ये आ गई एक हेडिंग, खलास, ये दूसरी हेडिंग आ गई, लैब हैंडआउट प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, लैब हैंडआउट प्रोजेक्ट 1, तो ये हेडिंग 2 आ गई। अब हेडिंग 1 टिपिकली इज अ लार्ज साइज, हेडिंग 2 से थोड़ा सा छोटा आ जाएगा, हमने कह दिया बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम आ गए नीचे, फिर यहां पे आ गया, मैंने एक पैराग्राफ डाल दिया, ठीक है, एक पैराग्राफ डालने के बाद यहां पे आ जाएंगे H4, और इसके अंदर मैंने नेम डाल दिया अपना, ठीक है, व्हाटएवर योर नेम इज, इसी तरह से हम आ जाएंगे H4 अगेन, या H4 भी नहीं डालते, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं क्योंकि रिमेंबर वेन एवर वी यूज H तो एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर देगा, लेट मी, चलो शो यू, ओके, सो लेट मी यूज H4 और मैं यहां पे डाल देता हूं रोल नंबर, ओके, कंट्रोल S, मैं आ जाता हूं जहां पे पहले मैंने इसको सेव किया था उस फोल्डर के अंदर, तो नाउ आई शुड हैव अनदर फाइल कॉल्ड प्रोजेक्ट 1, इस प्रोजेक्ट 1 पे हमने किया डबल क्लिक, तो आई हैव माय बेसिक सिस्टम क्रिएटेड। ठीक, अब यहां पे दो चीजें हुई, अननेसेसरी स्पेसेस, ठीक है, तो उसने पूरा आधा पेज ले लिया। रिमेंबर व्हेनेवर वी डिजाइन अ वेब पेज, इवन दो वी आर नॉट सो मच कंसर्न्ड विद द डिजाइन राइट नाउ, लेकिन थोड़ा स्पेसेस का ख्याल हम पहले से रखते हैं। अब क्या हुआ, हेडिंग 1 दी, उसने अपना स्पेस लिया यूज किया, फिर उसने ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे किया, फिर हेडिंग 2 यूज की, उसने अपना स्पेस यूज किया, फिर उसने न्यू लाइन पे दिया, फिर ये हेडिंग 4, तो ये एक एक एक्स्ट्रा अननेसेसरी स्पेसेस आ गए। मैंने कहा यार ये सानू अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसको थोड़ा सा मिलता जुलता स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो हम वापस कोड में आए, फिर यहां पे आने के बाद ये जो हेडिंग हमने यूज की है हेडिंग 1, इसको हेडिंग 2 को मैंने किया खत्म, इस हेडिंग को मैंने किया खत्म, और ये हेडिंग 2 थी, इसको मैंने यूं कर दिया। नाउ व्हाट आई डिड इज दैट लाइक दैट, तो मैंने दोनों को एक ही हेडिंग में लिख दिया, फर्क सिर्फ इतना है कि अब यहां पे आके मैं BR लगा दूंगा, तो अब वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिखा हुआ आ गया, BR उसी लाइन के अंदर नीचे ही आ गया, तो जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा था वो खत्म हो गया। सीरियस, इफ आई कम हियर, तो यहां पे एक एक्स्ट्रा स्पेस है, व्हेन आई हिट कंट्रोल R तो वो स्पेस लाइन खत्म हो गई और न्यू लाइन पे ऑटोमेटिकली आ गया। फिर आ जाते हैं नेम के अंदर, तो यहां भी वही चीज, तो इसको भी मैं H4 को अलग नहीं लिख रहा, इसी के अंदर लिख रहा हूं, और यहां पे इंस्टेड ऑफ दिस आई विल राइट BR,
तो वो न्यू लाइन पे आ जाएगा। तो दोनों हेडिंग फोर तो हो गई लेकिन न्यू लाइन पे हमारे पास आ गई। हमने कहा बहुत अच्छी बात, सेव किया, यहां पर आए तो सी दिस देयर इज अ स्पेस, कंट्रोल आर, तो अब ये दोनों साथ में आ गए। दूसरा, अब मैंने कहा यार ये वेब सिस्टम्स मुझे पेज के सेंटर पे चाहिए हेडिंग, ठीक है, तो अब पेज के सेंटर पे कैसे ले आएंगे, तो हम आ जाएगा हेडिंग के अंदर, ठीक है। अब मुझे यहां पे कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करने हैं, एट्रीब्यूट्स लाइक मैं कह दूंगा फॉन्ट अलाइन, फॉन्ट सेंटर है शायद, राइट, ए एल आई जी एन अलाइन इज इक्वल्स टू सी एन टी आर ई सेंटर, ठीक। अब हमने इसमें एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया फॉन्ट अलाइन का एट्रीब्यूट, रिमेंबर हमने कल भी डिस्कस किया था, देयर आर समथिंग कॉल्ड टैग्स, हम एचटीएमएल में टैग्स के ऊपर बात करते रहे। अब उस टैग्स के साथ भैया हमें इस्तेमाल करना है एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स आर एडिशनल प्रॉपर्टीज, एडिशनल खसूसियात जो उस टैग के ऊपर अप्लाई होती हैं, और ये आप किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, फॉन्ट हो, किसी के ऊपर भी सारी एट्रीब्यूट्स एक स्पेसिफिक नहीं है, एक दूसरे के साथ मिक्स होती रहती है। उसमें एक एट्रीब्यूट हमने यूज किया अभी फॉन्ट अलाइन की, इसी तरह फॉन्ट कलर भी है, फॉन्ट साइज भी है, फॉन्ट स्टाइल भी है, बहुत सारी चीजें हैं। हमने अलाइन करके सेंटर कर दिया, कंट्रोल एस किया, लेट मी सी दिस इफेक्ट, कि इसने पहले काम किया नहीं किया, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है, कभी कभी काम नहीं भी करता। सी दिस कंट्रोल आर, इट्स नॉट वर्किंग, इफ इट्स नॉट वर्किंग, पहली चीज मैं ये करता हूं कि कंट्रोल एस, पहले तो किया सेव, वापस आए कंट्रोल आर, स्टिल नॉट वर्किंग। समटाइम्स जितना हम सेव करना रह जाते हैं, समटाइम्स क्या 90% हम स्पेलिंग सेंटर की भूल जाते हैं, तो एस सी एन टी ई आर करके चेक करें, क्योंकि मुझे लग रहा है स्पेलिंग का इशू है। एंड कंट्रोल आर, स्टिल नॉट वर्किंग, ना यार, फॉन्ट अलाइन है, टेक्स्ट अलाइन है, क्या हो गया, आ गया आ गया आ गया, अच्छा ये उस पे चला गया, ठीक है जी, उप्स, कंट्रोल जेड, तो हम लिख लेते हैं अलाइन ओनली, आई थिंक पहले मैं अलाइन ही लिख रहा था, सी ई एन टी ई आर, और इसको मैं फिर लेफ्ट पे ही रखता हूं, कंट्रोल एस, कंट्रोल आर, और रोल नंबर किधर गया, ठीक है जी, तो ये सेंटर पर आ गया। अब इसका फॉन्ट क्या था, फॉन्ट इश्यूज काम करना चाहिए फॉन्ट का, लेकिन हमने H1 में गए, H1 में जाके हमने एट्रीब्यूट यूज किया अलाइन का, अलाइन के साथ हमने लगा दिया सेंटर, सेंटर लगाया तो टेक्स्ट आपका सेंटर में हो गया, जितना भी आपका इस H1 के अंदर टेक्स्ट आएगा, तो जो भी आपका टेक्स्ट है H1 के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर, उस पर अप्लाई होगा, बाकी पे प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो हमने इसको सेंटर कर दिया, यहां पर आ गए, ये सेंटर पे आ गया। प्रॉब्लम ये रहा कि मेरा रोल नंबर जो था वो गायब हो गया। प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरा रोल नंबर गायब हो गया। अब मैंने कहा कि HTML एतराज नहीं करता, There is no error in HTML, but it might not give you the output that you want. तो हमें रोल नंबर भी चाहिए था, रोल नंबर भाई गायब हो गया। इसका मतलब हमने कोई गड़बड़ की है कोड में। ठीक है, कोड हमें फिर भी आ गया, लेकिन अब HTML के अंदर रोल नंबर गायब हो गया। So if I come here, तो पता ये चला कि हाथ चलते चलते हमने रोल नंबर ही डिलीट कर दिया। क्या काम किया हमने यार। ठीक है जी, तो यहां पर आ गया, मैं वापस लिख लेता हूँ रोल नंबर और फिर /H4। ठीक, कंट्रोल एस, लेट्स जस्ट कम बैक हियर, कंट्रोल रीसेट, तो रोल नंबर हमारे पास वापस आ गया। ठीक, तो एक अलाइन टैग हमने यूज किया जिससे टेक्स्ट को हमने अलाइन किया। इसी तरीके से मैं कह रहा हूं यार इसका कलर भी चेंज हो जाए, तो कलर के लिए अभी हम फॉन्ट कलर का एक टैग पढ़कर आए थे। ठीक है, तो वापस यहां पे आए, सी दिस इन टास्क वन, हमने एक टैग यूज किया था आपका अला भला करे ये फॉन्ट का। तो व्हाट आई डू इज, मैं लिखने से जहमत कर रहा हूं, मैंने इसको दोबारा से किया कॉपी, कंट्रोल सी, प्रोजेक्ट में आ गए, और प्रोजेक्ट में आने के बाद मैं इसको कहता हूँ कि यार जहाँ पे हेडिंग आई थी वेब सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी, इसको फॉन्ट और एंड / फॉन्ट, ठीक है, इसको आप ग्रीन कर दो, इसको मेरा दिल कर रहा है मैं रेड कर देता हूं। ओके, सो नाउ व्हाट वी डिड, अब हमने क्या कर दिया, अब हमने कुछ भी खास नहीं किया, H1 टैग उठाया, उसको अलाइन किया सेंटर पे, फिर उसके अंदर एक फॉन्ट टैग लगाया। सो H1 टैग उठाया, उसके अंदर हमने एक फॉन्ट टैग लगा,
फॉन्ट टैग में जाने के बाद हमने उसके अंदर टेक्स्ट लिखा और फिर पहले फॉन्ट को क्लोज किया फिर एच वन को क्लोज किया. तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल कि आप टैग्स के अंदर भी टैग्स यूज कर सकते हैं. नेस्टेड टैग्स का आइडिया आता है. अब फॉन्ट एक स्पेसिफिक टैग है जिसके अंदर और भी बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हैं. फॉन्ट के थ्रू भी हम अलाइन कर सकते हैं. फॉन्ट के थ्रू हम टेक्स्ट की साइज को अल्टर कर सकते हैं. फॉन्ट के थ्रू हम टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं. बेसिक चीजें हम इसके अंदर भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये भी हमने किया अलाइन एच वन. हमने कह दिया फॉन्ट रेड रखो, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया और फिर इसका फॉन्ट अलग हुआ. इसी तरह से पैराग्राफ आ गया तो कंट्रोल एस यहां पे चले गए और इसको जब हम करेंगे रिफ्रेश तो ये आपका रेड हो गया, ये आपका सेंटर पे टैग हो गया. नाउ व्हाट वी नीड लिंक्स. अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे लिंक बनाने. ठीक है, तो लिंक का मतलब क्या होता है. लिंक का मतलब ये हो गया कि वेन एवर वी क्लिक ऑन अ स्पेसिफिक लिंक इट टेक्स अस टू अ पर्टिकुलर पेज. ठीक है जी, ये हमारे पास लिंक आ गया एंकर टैग ए टैग. इसको एंकर टैग कहते हैं, लिंक टैग कहते हैं, हाइपर रेफरेंस टैग कहते हैं, जो दिल में आया कह दो. बेसिकली 99.9% दुनिया की जितनी वेबसाइट्स हैं जब आप किसी एक जगह पे क्लिक करते हो आपकी दूसरी जगह पे ले जाता है पीछे एक सिंगल टैग. ठीक, कुल पीरा दा पीर है ये एक टैग. एक टैग पे क्लिक किया हमारे पास एंकर टैग. एंकर टैग स्टार्ट्स विद एन ए, उसके एट्रीब्यूट में एच रेफरेंस आता है. ए स्पेस एच रेफरेंस आ गया. एच रेफरेंस फॉर हाइपर रेफरेंस. हाइपर रेफरेंस मींस दैट व्हेन यू क्लिक ऑन अ टैग इट विल हाइपर ट्रांसफॉर्म यू टू अनदर पेज. ठीक है, अब यहां पे देखो एक इवेंट हमारे पास कहलाता है ऑन क्लिक का, जो यूजुअली हम बटन्स पे लगाते हैं. बटन के ऊपर हम एक इवेंट लगाते हैं ऑन क्लिक का कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं उसके नतीजे में कोई एक्शन परफॉर्म हो. ठीक है, सो व्हेनेवर आई क्लिक ऑन अ बटन उसके नतीजे में भजन कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए. हाइपर रेफरेंस या एंकर टैग का काम किया है कि जब इस एंकर टैग के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये उस ब्राउजर के अंदर एक नया पेज लोड कर देगा. एंकर टैग का काम किया है कि जब एंकर टैग पे क्लिक करोगे तो इसका जो इवेंट है टेक्निकली वो ये है कि उसी ब्राउजर के उसी टैब के अंदर एक नई फाइल लोड हो जाएगी. एक नया पेज आपको शो हो जाएगा. हमने कह दिया अच्छी बात. कौन सा पेज शो होगा उसका पाथ देते हैं हम एच रेफरेंस से. तो एच रेफरेंस दर हकीकत हम एक ऐसे पेज का रेफरेंस दे रहे हैं कि भाईजान जब मैं तुम पर क्लिक करूं तो तुमने यहां से लिंक करके मुझे दूसरी साइट पे लेके चले जाना. तो एच रेफरेंस का आ गया हमारे पास टास्क वन डॉट एच टी एम एल. ये वो पेज का नाम था जो मैंने यूज किया. अब यहां पे मैंने एक और चीज की है, मैंने फाइल का नाम दिया. अब दिस इज अगेन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फाइल का नाम हम कैसे दे रहे हैं. तो जो फाइल मैंने सेव की है उसका नाम आ गया, लेकिन फाइल सेव कहां पे की है. यहां पे एक्चुअली व्हाट वी से, वी गिव अ पाथ एंड अ फाइल नेम. वी गिव अ पाथ एंड अ फाइल नेम. अब क्योंकि मेरे पास जो फाइल है ये उस ही फोल्डर के अंदर सेव है जहां पे प्रोजेक्ट सेव है, तो मैंने यहां पे एक चीज यूज की है जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ. सॉरी, इसको हम कहते हैं दिस इज माय रिलेटिव पाथ. तो नोटपैड में खोल देता हूं. ओके, माइनस ओकीडोकी, बल्कि यहीं पे मैं लिख लेता हूं इसको. सॉरी, ठीक है, रिलेटिव पाथ. ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया रिलेटिव पाथ का एग्जांपल. ओके, दिस बिकम्स माय रिलेटिव पाथ. इफ आई नीड टू यूज एन एब्सोल्यूट पाथ तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पे लिखा एब्सोल्यूट पाथ एग्जांपल और फिर मैं आ गया ए टैग के अंदर, मैंने एच रेफरेंस दे दिया और फिर अब मैं लिखूंगा भाईजान पहले तो जाओ डी ड्राइव में, फिर वहां पे एक फोल्डर मिलेगा न्यू फोल्डर करके, फिर इसके अंदर एक फोल्डर मिलेगा. अच्छा, इसने उठाया नहीं. डी ड्राइव आई थिंक / न्यू फोल्डर, फिर / या फॉरवर्ड स्लैश है. ठीक है, चलो कौन दौड़. फिर इसमें वेब सिस्टम्स करके एक फोल्डर होगा, फिर इस वेब सिस्टम्स के अंदर हमारे पास वेब सिस्टम्स मॉर्निंग करके. ठीक है जी, इस मॉर्निंग के अंदर फिर फॉरवर्ड स्लैश एक फाइल होगी टास्क वन डॉट एच टी एम एल. ठीक है जनाब, ये हमारे पास आ गया क्लिक टास्क वन. अब यहां पे दो चीजें हमने की, एक रिलेटिव पाथ एक एब्सोल्यूट पाथ. रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ, अब ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग अमूमन कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप HTML यूज करोगे वेब पेजेस पे करोगे यू विल बी एक्सेसिंग लॉट्स ऑफ इमेजेस एंड ग्राफिक्स व्हिच नीड्स टू बी एट सम लोकेशन इन योर पीसी. एब्सोल्यूट पाथ का मतलब ये हुआ कि आप पूरा कंप्लीट पाथ दे रहे हो.
ठीक, एब्सोल्यूट पाथ का मतलब ये होगा कि आप पूरा कंप्लीट पाथ बता रहे हो कि पहले सी में जाओ या डी में जाओ, फिर डी के अंदर एक न्यू फोल्डर होगा, न्यू फोल्डर के अंदर वेब सिस्टम्स का फोल्डर होगा, उसके अंदर एक फाइल पड़ी होगी task.html आप बोल रहे हो। दिस इज नोन एज एन एब्सोल्यूट पाथ, फिक्स्ड पाथ दे दिया। इसका प्रॉब्लम यह जब आप इसको सर्वर पे फाइल को अपलोड हम करेंगे आगे चल के, तो जब सर्वर पे अपलोड होगा तो सर्वर पे सी ड्राइव डी ड्राइव का एक्सेस नहीं होगा, ठीक, क्योंकि वो तो सर्वर पे भाई पड़ा हुआ है। तो जब आप सी करके सर्वर पे चलाओ, आपके पीसी में तो मस्त चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट व्हेन यू अपलोड दिस फाइल ऑन द सर्वर, दैट इज व्हेन इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। देन इट विल से भैयान आपने तो डी ड्राइव का है, मैं तो सर्वर हूँ, सर्वर पे डी ड्राइव नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो अलग अपने पाथ को फोल्डर्स को मेंटेन कर रहा है, तो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। अगेन एरर फिर भी कुछ नहीं आएगा, फर्क सिर्फ इतना होगा कि लिंक काम नहीं करेगा। अब ये लिंक पे आप यूजर बैठ के दबाता रहेगा, लिंक चल ही नहीं रहा, सर वो पेज नॉट फाउंड आ रहा है, पेज नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है, पेज नॉट फाउंड का हमारे पास एरर आ जाएगा कि भाई पेज आपने रखा था सी ड्राइव पे, लेकिन क्योंकि फाइल जब आपने सर्वर पे अपलोड की तो सर्वर की सी ड्राइव तो एक्सेसिबल ही नहीं है, तो पेज नॉट फाउंड का एरर आ जाता है। इसीलिए फिर हम एक और चीज करते हैं, दैट वंस यू स्टार्ट वर्किंग हियर, तो वेयर एवर यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, तो इसीलिए हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया, उसी प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट वन जो अभी करंट फाइल यूज कर रहा हूं, उसी फोल्डर के अंदर मेरा टास्क वन पड़ा है, तो क्योंकि उसी फोल्डर के अंदर पड़ा है, तो इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड दैट यू यूज समथिंग कॉल्ड रिलेटिव पाथ। ये वाली चीज रिलेटिव पाथ क्या कहता है कि क्योंकि मेरी ये जो करंट फाइल जिसमें मैं कोड कर रहा हूं, ये करंट फाइल भी उसी फोल्डर के अंदर है जिस फाइल को मैं रिफर कर रहा हूं, तो आपको पाथ पूरा लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ भाई मुझे फाइल नेम बता दो बहुत है, ठीक है, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं मेरे साथ ही दूसरी फाइल पड़ी है, तो मुझे पाथ देने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा पाथ बताने की जरूरत नहीं है कि भाई सी में जाओ, यहां पे जाओ, यहां पे जाओ, यहां पे जाओ, जहां फाइल खड़े हो वहीं पे दूसरी फाइल पड़ी है, सिंपल एज दैट। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली रिलेटिव पाथ यूज किया, एग्जाम्पल सिर्फ फाइल का नाम दे दिया, एज लॉन्ग एज दीज टू फाइल्स आर इन द सेम फोल्डर इवन ऑन द सर्वर दे विल वर्क परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। मैं पाथ्स के ऊपर और भी आगे बात करूंगा व्हेन वी स्टार्ट स्विचिंग टू डिफरेंट लोकेशंस। सो इसको मैंने किया हजरत को क्लोज, कंट्रोल एस, ब्राउजर पर आ गया अपने पास वापस, जनाब किधर गया मेरा ब्राउजर, ठीक है जी, इसको कर लेते हैं थोड़ा जूम आउट एंड कंट्रोल आर, तो मेरे पास टास्क वन करके एक लिंक आ गया, इस टास्क वन पे जब क्लिक किया तो वेब सिस्टम्स वाला टास्क मेरे पास लोड हो गया, बहुत जबरदस्त सिंपल हमारा वेबसाइट बनना शुरू हो गई। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, टास्क वन पे क्लिक किया न्यू वेबसाइट पे आ गई, हमने कहा ओके भाई। इसी तरीके से अब बेसिकली हमें क्या करना है, हजरत कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है जनाब, हमने कहा ठीक है, तो ऊपर आ गए, इसको किया मैंने कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ये मेरे पास डुप्लीकेट हो गया, इसको आके हम कर देंगे टास्क टू, इसको टास्क थ्री, ये टास्क फोर, अज्यूमिंगली मैं सारे टास्क कंप्लीट कर दिए, मेरे पास टास्क टू टास्क थ्री टास्क फोर कंट्रोल एस, ये सारे लिंक बनते चले गए, ब्राउजर के अंदर आए, ब्राउजर में आने के बाद मैंने कंट्रोल आर प्रेस किया, मेरे पास लिंक्स बनना शुरू हो गया, ठीक। ऑब्वियसली दे आर नॉट इन टर्म्स ऑफ मेन्यू, दे आर इन टर्म्स ऑफ सिंपल टेक्स्ट बेस्ड लिंक्स। अभी जैसे आपको वेबसाइट पे ना प्रॉपर मेन्यू नजर आते हैं, वो हम CSS के थ्रू बनाते हैं, तो अभी हमने कहा सिंपल वेबसाइट, मेरे पास मेरा मेन्यू बनना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी मुझे वो मजा नहीं आ रहा, कहा नहीं यार इसमें एक और चीज हम करते हैं, एक और चीज क्या करते हैं हम, किसको हम टेबल में रखते हैं, ठीक है। व्हेनेवर वी क्रिएट अ मेन्यू वी नीड टू इंश्योर कि दे आर इन अ प्रॉपर ऑर्डर, इसमें थोड़ा सा हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए, सो व्हाट वी डू, वी क्रिएट समथिंग कॉल्ड टेबल, टी ए बी एल ई टेबल, ठीक है जी, टी ए बी एल ई टेबल बनाई हमने, टेबल क्लोज की, इस टेबल टैग को उठाया कंट्रोल एक्स, बल्कि पहले मैं टेबल बना के आपको एक्सप्लेन करता हूं फिर उसके अंदर रख लेता हूं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक टेबल आ गई, टेबल विल क्रिएट अ सिंपल टेबल, हमें पता है कि टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन रोज एंड कॉलम, ठीक है, एवरी टेबल इन द वर्ल्ड हैज समथिंग कॉल्ड रोज एंड कॉलम, उसी बेस पे स्ट्रक्चर होती है। सो हाउ डू वी डू, वी सबसे पहले एड टेबल रो, ठीक है जी, तो ये एक टेबल रो आ गई, और उसके अंदर फिर हमारे पास एक चीज आती है टेबल डेटा, टीडी डेटा, तो ये टेबल का कॉलम हो गया। फिर मुझे दूसरा कॉलम ऐड करना है, इसको मैं इसी तरह रखता हूँ फिलहाल, ठीक है जी, इसके अंदर दूसरा कॉलम रखा मैंने टीडी, तो ये दूसरा टेबल कॉलम आ गया, ठीक है। इसी तरह से फिर इसमें मुझे तीसरा कॉलम रखना है, तो फिर टेबल डेटा के लिए टीडी, तो तीसरा कॉलम आ गया, इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कॉलम वन, दिस बिकम्स कॉलम टू एंड दिस बिकम्स कॉलम थ्री, ठीक है जी। और फिर इसको उठाया और मैंने इधर आके
डुप्लीकेट कर देते हैं इसको, राइट। तो ये हमारे पास सिंपली एक टेबल बन गई। लेट मी जस्ट सेव इट और कंट्रोल एस और हिट अ रिफ्रेश। तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री और ये दो रोज और दो कॉलम से हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्रिएट होकर आ गया। फर्क ये कि टेबल लग नहीं रही भाई, बात तो सही है, आपने बना तो दी, टेबल लग नहीं रही। वजह ये कि अभी टेबल के अंदर जो एक चीज पहचानने जाती है वो क्या है, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर इज इक्वल टू, मैं फिलहाल कर देता हूं 2 pixel का, कंट्रोल एस किया, भाई को रिफ्रेश किया, अब टेबल नाम की चीज हमें टेबल की सूरत में लगने लग गई। ठीक है, ये सिंपली टेबल का इशू है। टेबल के अंदर क्या चीज हम मेन इंपॉर्टेंट यूज करते हैं, टेबल रो और हर टेबल के अंदर उसका कॉलम, टेबल रो और टेबल कॉलम, यही चीज कोड के थ्रू हम रेफरेंशिएट करते हैं। सो इफ आई कम बैक इनसाइड द कोड हियर, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी ट्राई टू डू। पहले टेबल बनाई, ठीक है जी, पहले हमने बनाई टेबल, वंस वी क्रिएट अ टेबल दैट टेबल के अंदर रो वन, ये रो टू आ गए। इस तरह जितनी रोज हमें चाहिए होंगे हम रो वन बनाते चले जाएंगे। ठीक, अगेन रिमेंबर HTML, एवरीथिंग नाउ टैग है, एवरीथिंग इज नाउ टैग, एवरीथिंग यू वॉन्ट टू डू यू हैव टू डू इट इन फॉर्म ऑफ टैग्स। लिस्ट बनानी है 1, 2, 3, 4 जब हम लिखते हैं तो उसके लिए लिस्ट का टैग है हमारे पास, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट 1, 2, 3 को कहते हैं UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट OL हमारे पास डॉट्स जो नजर आते हैं बुलेट्स की सूरत में, वो भी टैग्स की सूरत में। इमेज डालनी है, अभी इमेज एक आखिरी चीज रह गई है वो उस पर काम करते हैं, वरना हमारे पास ये चीजें पूरी हो जाती है। सो अब मेरे पास ये कॉलम वन टेबल डेटा आ गया, कॉलम टू कॉलम थ्री आ गया। इसमें एक और चीज मैं दूसरा क्या करता हूं, विड्थ का, WIDS width is equals to मैं 100% कर देता हूं। अब यहां पे border के अंदर मैंने दो एक ही 2px, 2px stands for 2 pixel, 2 pixel means कि आपका जो code होगा वो 2 pixels में divide होगा, 2 pixels का होगा, sorry, ठीक है, code 2 pixel means 2 pixels का होगा, जो border हमें नजर आ रहा है वो basically, oops, याल्ला, control S, I go inside the browser, hit a refresh, तो आपका एक तो width 100% हो गई और ये 2 pixels का आपको जो line नजर आ रही है 2 pixels की, आप इसको 1 pixel करोगे तो 1 pixel की हो जाएगी, 3 करोगे तो, जितनी border देते जाओगे pixels के हिसाब से बढ़ती जाएगी। 100% इसीलिए किया क्योंकि मुझे चाहिए मेन्यू मेरा पूरे वेब पेज के ऊपर, वो border सिर्फ कोने पर आ रहा था, अगर 3 button होंगे तो 3 नजर आएंगे, मैंने कहा नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे पूरे मेन्यू पे चाहिए। तो अब मैंने pixels की जगह पे उसको 100% कर दिया। 100% का बेसिकली मतलब ये होगा कि नाउ दिस विल ऑक्यूपाई 100% स्क्रीन एरिया, 100% ऑफ योर ब्राउजर एरिया। इसका एडवांटेज ये मिलता है कि इफ आई गो बैक हियर, ठीक है जी, मैंने ब्राउजर को कॉर्नर पर सेलेक्ट किया, सी दिस, एज सून एज आई एम ड्रैगिंग द बॉर्डर मेरी टेबल ऑटो एडजस्ट हो रही है, नीचे वाले रोज एडजस्ट नहीं हो रही, टेबल एडजस्ट हो रही है, ऊपर का टेक्स्ट हो रहा है क्योंकि उसको मैंने पेज के सेंटर में किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली पेज के सेंटर में होने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी एडजस्ट हो रहा है, ठीक है, और नीचे की टेबल भी हो रही है। तो किसी हद तक एक जुगाड़ी रिस्पॉन्सिव, जिसे हम कहते हैं कि अगर स्क्रीन साइज छोटी हो रही है तो आपका टेबल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, स्क्रीन साइज बड़ी हो रही है तो टेबल एडजस्ट होगी ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंगली। सो ये टेबल बन गई। अब मुझे एक्चुअली मेन्यू इस टेबल के अंदर रखना था, तो मैं आ गया हूं वापस वेरी क्विकली इधर, एंड लेट्स जस्ट डू दैट। तो व्हाट इज वी डिड हियर इज कि मैंने जो टास्क वन उठाया था, होम में गए, इसमें आके कंट्रोल एंड कंट्रोल सी, यार ये क्यों जंप कर रहा है, ठीक है जी, तो TD1 जहां कॉलम 1 लिखा था वहां पे मैं लिंक डाल दूंगा, इसी तरह से जो कॉलम 2 लिखा था वहां पे मैं कॉलम इसका टास्क 2 डाल देंगे हम, एंड ये आ जाएगा टास्क 1। इसी तरह से जो हमारे पास कॉलम 3 लिखा था उसको हम कर देंगे टास्क 3, एंड ये हो गया हमारे पास 3। ठीक है, कंट्रोल एस, अब क्योंकि मेन्यू बनाना है, आई वॉन्ट द मेन्यू टू बी इन अ सिंगल रो, तो मुझे मेन्यू एक सिंगल रो में चाहिए, तो दूसरी रो जो है मैं गायब कर दूंगा, तब तक जब तक मेरा एक रो पूरी नहीं हो जाती। जब एक रो आपकी पूरी हो जाएगी तब आप दूसरे रो पे आओगे, क्योंकि अभी टास्क ज्यादा है, ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा टास्क है तो फिर आहिस्ता आहिस्ते बहुत छोटे छोटे मेन्यू होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम उसको रख देंगे यार अच्छा 15 में टास्क एक मेन्यू में आए, बाकी के 15 दूसरे मेन्यू पे आए, तो आप दूसरी रो कंटिन्यू करोगे। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर में आए, हेडर रिफ्रेश, तो ये टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 मेरे पास इस मेन्यू में आने लग गए। इसका फिर समटाइम्स मैंने कहा मुझे यार इसका बॉर्डर जो है 2 pixel बहुत ज्यादा लग रहा है, मैं इसको 1 pixel कर देता हूं, कंट्रोल एस, विड्थ 100% हुई, और इसी तरह से अब मैं इसके अंदर जो था ये सारे मेन्यूज की एक कॉपी, और चले गए हम एंड पे,
कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है, और कंट्रोल वी। तो मैंने इसके मेन्यूज को कर दिया कॉपी, टास्क 1, 3, टास्क 4, टास्क 5, टास्क 6, टास्क 7 और टास्क 8, टास्क 9, टास्क 10 एंड 11 एंड लेट मी सी के 12 तक कहां तक जा रहा है। एक्सक्यूज मी, कंट्रोल एस, यहां पे आए, रीसेट किया, तो ये मेरे पास टास्क 12 तक मेन्यू चलेगा। यू कैन सी दिस ऑलरेडी बन। अच्छा, हमें इसका बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, पिक्सल हमने ऑलरेडी वन किया हुआ है। अब मुझे फिलहाल ये जो था, मैं इसको और भी कॉपी कर लेते हैं, 15 तक ले जाते हैं, ठीक है जी। तो इसको उठाया मैं 12 और 13, 14, 15, ओके जी। तो अब टेबल रो आ गई, इस रो के अंदर में जाके इसका क्या कर देते हैं हम, बीजी कलर है आई थिंक, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू, मैं इसको दे देता हूँ लाइट एक्वा कर देते हैं, या ये वाला लाइट, ये वाला क्रीम, ठीक है जी। कंट्रोल एस, कंट्रोल रिफ्रेश, तो मेरे पास मेन्यू बन गया। तो 15 मेन्यूज हमारे पास आ गए। आई थिंक अगर पेज की साइज बढ़ी है तो आई कैन स्टिल फिट फ्यू मोर मेन्यूज। मैं फिलहाल कॉलम रो जो 2 है उसको हाइड कर देता हूँ या उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। HTML में कमेंट करने का तरीका कार क्या था, ये शायद पहले भी मैंने यूज किया, दिस इज द वे ऑफ कमेंटिंग इन HTML, ठीक है। HTML में जावा के अंदर हम सिंगल लाइन कमेंट यूज करते हैं, डबल ब्रैक स्लैश है। HTML में सिंगल लाइन कमेंट नहीं होते टेक्निकली, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट या जॉनल कमेंट का मतलब ये कि आप टैग स्टार्ट किया एक्सक्लेमेशन मार्क 2 माइनस साइन, ये उसके कमेंट्स का टैग है हमारे पास, ठीक। और एंडिंग टैग भी इसका ऑब्वियसली मौजूद है, तो वो डबल माइनस साइन बैक स्लैश, ठीक। मैं क्योंकि एडिटर यूज कर रहा हूं, तो एडिटर में एक शॉर्टकट है कि जिस टेक्स्ट को आप कमेंट करना चाह रहे हो उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से इसको किया सेलेक्ट और फिर कंट्रोल बैक स्लैश आप प्रेस करोगे तो उसको कमेंट कर देते हैं, जितना भी टेक्स्ट होगा पूरा एक साथ कमेंट हो जाता है। इसी तरह से कंट्रोल बैक स्लैश किया तो पूरा टेक्स्ट अनकमेंट भी हो गया। फिर मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कमेंट गायब हो गया, कंट्रोल बैक स्लैश सारा कमेंट हो गया। तो मैंने कमेंट कर दिया ताकि आगे मुझे इसमें एडिटिंग करना आसान हो जाए। कंट्रोल एस, वापस ब्राउजर पे आ गए और इसको जूम आउट कर लेते हैं, हिट अ रिफ्रेश, तो नाउ वी गेट अ स्टैंडर्ड मेन्यू लुकिंग फॉर आवर सेल्व्स, ठीक है जनाब। इस पर आ गए, अब मुझे जो कोड था नीचे वाला वो नहीं चाहिए, तो ये जो रिलेटिव पाथ टेबल था इसको मैंने गायब कर दिया ताकि मेरा मेन्यू जो था वो इस वाले से गायब हो जाए। हमारी असाइनमेंट की वेबसाइट बनना शुरू हो गई। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है, व्हेनेवर वी क्रिएट अ वेबसाइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी इन योर लेआउट। बाय दैट वी मीन, फॉर एग्जाम्पल मैंने टास्क 1 पे क्लिक किया, टास्क 1 का आउटपुट आ गया, मेन्यू कहां गया, इतनी मेहनत की यार, मेन्यू तो चला गया। मैंने कहा अच्छा भाई फिर बैकस्पेस प्रेस करो या यहां से बैक करो। फिर टास्क 2 पर आ गए, टास्क 2 पे क्लिक किया, टास्क 2 तो आ गया, बहुत अच्छा है, मेन्यू सिस्टम कहां गया। सो एवरी वेबसाइट दैट वी व्यू हैज अ स्ट्रक्चर, व्हेन यू क्लिक ऑन द लिंक तो वो उसी के अंदर रिपीट होना चाहिए और मुझे लगना चाहिए कि आई एम व्यूइंग द कंप्लीट वेबसाइट, ठीक है। अब ये लग रहा है कि एक वेबसाइट से कोई दूसरे वेबसाइट पे हम चले गए, मेरा मेन्यू पूरा गायब हो गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो आउटपुट इसके नीचे यहीं पे जनरेट होकर आ जाए। हाउ डू वी डू दैट, ठीक है। अब इसके उसूलन प्रोफेशनल तो बहुत सारे तरीके हैं, टिपिकली हम एजेक्स भी यूज करते हैं, ठीक है। टिपिकली हम एजेक्स यूज करते हैं जिसके तहत हम पेजेस, एक्सटर्नल पेजेस को यहां पे कॉल किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे जाते हैं तो फेसबुक पे जब ब्राउज करते हैं ना तो आपको पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ब्राउज करते जा रहे हो वो ऑटोमेटिकली कंटेंट रीलोड हो रहा है, ठीक। दैट इज कॉल्ड डायनामिक रीलोडिंग ऑफ कंटेंट, हम एजेक्स के थ्रू उसका काम कर रहे होते हैं। आपका पेज रिफ्रेश किए बगैर लोड हो रहा होता है, कंटेंट आपका डिस्प्ले हो रहा होता है। पर अभी हमने ना जावास्क्रिप्ट की, ना एजेक्स की है, ना इस लेवल पे गए, मुझे सीधे सीधे HTML में जुगाड़ लगाना है और ना मैंने CSS की है। तो HTML में जुगाड़ लगाने का जो उस पुराना ओरिजिनल तरीका है वो क्या थे कि भाईजान आप आ जाओ यहां पे, ये पूरा मेन्यू बन गया। तो इसको मैं पहले ऊपर कमेंट दे देता हूं, बॉडी के अंदर है, इसको मैंने बैक स्लैश कमेंट में गए, दिस इज माय वेब पेज हेडर विथ नेविगेशन, ठीक है जनाब। ये मैंने दे दिया एक कमेंट जहां पे ये नेविगेशन मेरी एंड हो रही है इस टेबल के बाद, मैंने यहां भी एक और कमेंट दे दिया, एंड
ऑफ हेडर। तो एक छोटा सा हमने नीचे कमेंट डाल दिया, अगेन इफ आई जूम इनटू इट, सॉरी, तो हेड ऑफ हेडर का कमेंट। और इसी तरह से पेज के जब हम ऊपर में चले गए तो यहां भी आने के बाद दिस इज अ वेब पेज हेडर, एक सेक्शन हमने बना दिया। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, अभी मैंने सेक्शंस पे वैसे काम किया नहीं है, आखिरी के जो टास्क होंगे आपको उसमें सेक्शंस पे हम काम करते हैं ज्यादा, तो चीजें और वाजे हो जाती हैं। बहरहाल, तो मैं अब इस पूरे टेक्स्ट को करूंगा कॉपी, ठीक, एंड ऑफ हेडर तक, कंट्रोल सी, टास्क वन में गए, बॉडी से पहले जहां पे आउटपुट आ रहा था इधर कर दिया पेस्ट, फिर टास्क टू में गए, बॉडी के बाद जहां पे बाकी चीजें शुरू हो रही हैं उससे पहले कर दिया पेस्ट, फिर टास्क थ्री में गए, टास्क फोर में गए, टास्क फाइव में गए, टास्क सिक्स में गए, टास्क सेवन में गए। जो हेडर आप यूज करते जा रहे हो वो आपको अब टेक्निकली हर वेब पेज के अंदर कॉपी पेस्ट करना है। फिर इसको किया रिफ्रेश, अब इसका नतीजा क्या हुआ, मैंने टास्क वन पे क्लिक किया, आउटपुट इधर का इधर ही आ गया, मैंने टास्क टू पे क्लिक किया, आउटपुट इधर का इधर ही आया, मैं टास्क थ्री पे क्लिक करूंगा, आउटपुट यहीं का यहीं आ जाएगा, क्योंकि अभी पेज बना नहीं है, तो इट इज नॉट शोइंग टू अस। इसी तरह टास्क वन, ठीक, तो आइडिया ये था कि मैं क्लिक करूं मेरी वेबसाइट का पेज वहीं पे ओपन हो जाए। उसका तरीका क्या हुआ कि आप जो हेडर है वो किया कॉपी और वो आपने हर टास्क के अंदर जाके किया पेस्ट। इसीलिए पहले मैं डायरेक्ट यहां पे जंप हुआ, हमने दो टास्क बनाए, पहले इस प्रोजेक्ट पे आया, तो उसूलन पहले आपने ये प्रोजेक्ट करना है, क्यों, क्योंकि कॉपी पेस्ट से बच जाओगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। कैसे, मैंने मेन पेज बना दिया, मैंने कहा ठीक, इसमें मैंने 15 पेजेस के लिंक डाल दिए, आप बाकी के जितने टास्क है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 20 टास्क, तो मैंने 20 टास्क के एक दफा लिंक बना के रख दिया, पेज नंबर्स भी डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये वैसे लिंक्स गलत हैं, ये 3 और फिर ये हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल 4 5 टास्क 6 और इस तरह में। और मुझे पता है कि मैं जितने न्यू पेज बनाता जाऊंगा उसके अंदर मैंने एग्जैक्टली इसी तरीके से टास्क के पेजेस देने, ठीक है जी। तो ये एक दफा आपका वेबसाइट का इनिशियल पूरा टेम्पलेट बन गया, तो मैंने 14 और ये 15 तक सारी वेबसाइट बना दी, ये मेरे लिंक्स भी बन गए, ऑब्जेक्ट्स भी बन गए, मैंने हेडर पूरा अपना सेट कर दिया। अब मैं न्यू फाइल करूंगा, पहले तो हेडर कॉपी किया, फिर उसमें टास्क आउटपुट डाला, फिर न्यू फाइल किया, हेडर को कॉपी किया, तो ऑटोमेटिकली मेरे सारे लिंक बन चुके होंगे। अगर आप पहले 18 टास्क किए, ठीक है, पहले आपने सारे 18 टास्क अलग कर दिए, अब आप प्रोजेक्ट पर आए, तो व्हाट यू विल हैव टू डू कि पहले तो आपने प्रोजेक्ट की सारी लिंक्स बनाई, अब वो एक लिंक आपको 18 दफा हर फाइल में खोलना पड़ेगा, हर फाइल में आके कॉपी करना पड़ेगा, हर फाइल को खोलना पड़ेगा, हर फाइल में आके कॉपी करना पड़ेगा, बात समझ में आई, तब जाके आपकी वेबसाइट वेबसाइट की तरह लगेगी। अभी ये हमारे पास वेबसाइट की तरह वरना इंडिविजुअली नहीं लगेगी। जब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये टास्क वन पे गए, टास्क वन आया, टास्क टू पे गए, टास्क टू आया, टास्क थ्री पे गए, यहीं पे टास्क थ्री आ जाएगा। दिस इज व्हाट अ वेबसाइट लुक्स लाइक। लिंक्स बनाया हमने, एक पेज यहां पे जब क्लिक किया तो ये एक्चुअल में पूरा पेज ही रीलोड हो रहा है, पूरा नया पेज आ रहा है, लेकिन उसका हेडर क्योंकि हमने कॉपी करके सेम रख दिया तो मुझे लग रहा मैं सेम वेबसाइट पे काम कर रहा हूं। ये थोड़ी ट्रिक समझ में आई, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये पहले नहीं बना रहे, 18 पेजेस कर दिए, अब आपको पहले तो मेन पेज बनाना पड़ेगा, फिर 18 में ये सारा कोड अलग अलग से कॉपी करना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये आता है कि कल को मैं कहूं कि यार इसमें लैब हैंडआउट प्रोजेक्ट वन है ना, ये टाइटल हटा दो, सिर्फ इतना मैं कह दूं, मैं कस्टमर हूं, मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया, आपने बना भी दिया, पर अगर यार बाकी सब तो ठीक है, ये लाल कलर अच्छा नहीं लग रहा, रेड कलर चेंज कर दो, इसको ब्लू करो जी, हमें करना क्या, फॉन्ट में जाएंगे चेंज करेंगे, लेकिन कौन से वाले फॉन्ट में, हमने 18 फाइलें बनाई हैं, 19वीं फाइल ये, तो आपको 19 फाइलों में जाके कलर को चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा कलर तो सही है, ये जो लैब हैंडआउट प्रोजेक्ट वन लिखा है ना, इसका फॉन्ट छोटा कर दो, हमने हेडिंग में डाला, दोनों सेम फॉन्ट आ गए, अब मुझे फॉन्ट टैग अलग रखना पड़ेगा उसके लिए, कर सकते हैं, लेकिन अब फिर मुझे 18 फाइलों में जाना पड़ेगा, 19वीं ये 19 फाइलों में, हर फाइल में जाके मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। अब सोचो अगर ऐसी 2000 फाइल्स हो जाए, मेजर वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप don.com उठाओ, तो don.com के अंदर डेली के 1000 न्यूज आ रही है, तो सोचो उसकी टोटल कितने पेजेस होंगे। bbc.com में डेली के 1000 पेजेस अपडेट होते हैं, उसमें न्यूज इतनी सारी है, तो डेली के 1000 पेजेस, वहां बैठ के जो डेवलपर या उनका जो मेन ओनर, उसने कहा नहीं यार मुझे अब लाल रंग नहीं चाहिए, इसको ब्लू कर दो, तो सोचो करोड़ों पेज हो चुके होंगे भाई, क्या कह रहे हो। तो इसीलिए हजरत सीएसएस फिर नहीं बनाई गई। सीएसएस का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं कि अब सीएसएस में हम
कलर डायरेक्टली एचटीएमएल को नहीं बताते, एचटीएमएल को हम कहते हैं यार ये स्ट्रक्चर है, उसकी जितनी भी डिजाइनिंग है वो सीएसएस के थ्रू करते हैं, फॉन्ट कलर बैकग्राउंड इन फोरग्राउंड टेक्स्ट साइज अलाइनमेंट जितनी भी स्टाइलिंग है, डेटा एचटीएमएल में होगा, स्टाइलिंग सीएसएस करेगा, फिर सीएसएस में मैं सिर्फ एक पैरामीटर को कलर को ब्लू करूंगा, 100 पेज होंगे 1 करोड़ पेज होंगे, एक पैरामीटर चेंज करूंगा सारे 1 करोड़ पेज अपडेट हो जाएंगे। सीएसएस का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट हमारे पास ये आता है। फिर जब हम पीएचपी में जाएंगे तो ये जो हेडर मैंने 18 फाइलों में कॉपी किया है मुझे वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं एक हेडर की अलग बनाऊंगा, नीचे कंटेंट एरिया अलग बनाऊंगा, वो हेडर इंपोर्ट करूंगा। अब अगर कल को कोई हेडर में चेंज भी करना है मैं सिर्फ एक पे चेक करूंगा, नीचे करोड़ फाइल होंगी, सब के सब अपडेट हो जाएंगी। अभी हम क्योंकि मैन्युअली स्टार्ट किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किया है, तो बेसिक आइडिया ये कि हमने हेडर पे सेम करना है। दिस बिकम्स योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, कि आपको अब ये चीज समझ में आनी चाहिए कि यार ठीक है हमने हेडर बनाया, ये हेडर को फिक्स किया, अब ये हेडर मुझे हर पेज पे दिखाना है तो उसकी ट्रिक क्या होगी कि हमने इसको कॉपी करके रखा है। मैंने कमेंट्स इसीलिए डाले कि मुझे पता चले कि यार ये मेरा हेडर का सेक्शन है, ठीक है ये सेक्शन पूरा मैं कॉपी करूंगा। अब जितने मैं टास्क करता जाऊंगा उस तमाम टास्क के अंदर ये पूरा सेक्शन कॉपी पेस्ट होगा, क्योंकि मुझे ये चीज पहले ही पता होगी कि अच्छा अगर 18 पेजेस में कॉपी पेस्ट हो रहा है और मैं पेज अगर नाम पहले से दे दूं तो मुझे हर फाइल को एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है हर फाइल को एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने पहले प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उसके बाद टास्क बनाना शुरू किया, टास्क उसको रेफरेंस करते चले गए। ख्याल ये रखेंगे कि यार जो पेज के नेम्स हैं वो पेज वन पेज टू जो है टास्क वन टास्क टू से मैं सेव करूं, ताकि मैं सिर्फ पेज अब बनाता जाऊंगा सेव करता हूंगा वेबसाइट ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी, वरना फिर आपको वही वापस हर 18 पेजेस में जाके हर फाइल नेम को करेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे आप सेव करते वक्त इसको टी ए जैसे टाइपिंग में मैंने यूं कर दिया, टसाक कर दिया, टसाक हो गया ठीक है कोई इशू नहीं, हमने गैर नहीं किया कॉपी पेस्ट किया पूरा सेव किया, 18 में हमने पेस्ट भी कर दिया, पता चला सब में सब चीजें सही है, पेज नंबर टास्क नंबर 5 नहीं खुल रहा, क्यों क्योंकि यहां पे मैंने टसाक कर दिया आपने वहां पे टास्क कर दिया, तो अब मुझे 18 में जाके वापस चेंज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी मेहनत का काम होता है, हमें इस चीज का ख्याल रखना होता है। वंस वी डू दैट नाउ आवर वेबसाइट इज क्रिएटेड। ये लिंक बनाने का तरीका है, लिंक जब पे जब क्लिक करेंगे इट विल टेक अस टू अ पर्टिकुलर न्यू पेज, व्हाटएवर न्यू पेज बेसिकली यू आर ट्राइंग टू क्रिएट। सो इफ आई क्लिक ऑन टास्क 5 तो टास्क 5 पेज नॉट फाउंड आ जाएगा क्योंकि लिंक हमारे पास टसाक का आ रहा है, ठीक है। मैं पेज 8 पे क्लिक किया तो टसाक आ गया क्योंकि 8.html हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो वंस यू कंप्लीट ऑल दीज फाइल नेम्स आपकी पूरी वेबसाइट एक मुकम्मल हो जाएगी, ठीक। दिस वॉज आवर प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट, तो ये आपका प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसी तरीके से दिस इज अनदर वेरी सिंपल प्रोजेक्ट दैट यू नीड टू क्रिएट अ सिंपल वेबसाइट, सिंपल वेब पेज है, इसमें और कुछ भी नहीं है, इसका भी लिंक उसी में आ जाएगा एंड में। हेडिंग हेडिंग टू एक रूलर आता है, इसको HR टैग यूज करते हैं, लिस्ट आ गई, टेक्स्ट आ गया, 2 इमेजेस आ गई। इमेज के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, ठीक IMG एक टैग है वो इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह से फिर तीसरी वेबसाइट है, तीसरी में आपको अपनी CV बनानी है। इसी तरीके से माय पोर्टफोलियो, माय CV में यू ऑल नो के व्हाट वी डू इन CV राइट। तो आपका फॉर एग्जांपल पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन का एक पेज होगा, आपका स्किल्स का एक पेज होगा, एक्सपर्टीज का होगा, हॉबीज का होगा, इंटरेस्ट का होगा, इस तरह से आपके 6-7 पेजेस होंगे, उसमें जैसे मैं क्लिक करूंगा नीचे डेटा आएगा। डेटा कैसे दिखाना है टोटली अप टू यू, डेटा किस तरह रिप्रेजेंट करना है टोटली अप टू यू, अपनी वेबसाइट जाके बनाए। नेट से टेम्पलेट फिलहाल नहीं उठाने, अभी हम उस पर काम नहीं करेंगे, ये आगे के टास्क हैं, फिलहाल ट्राई टू क्रिएट इट विद रॉ HTML। नेक्स्ट जब हम CSS में जाएंगे तो हम उसी पेजेस को फिर स्टाइलिंग करेंगे, तो फिर हम उसी को टेम्पलेट्स भी उठा के करेंगे, मैनुअल स्टाइलिंग भी करेंगे, पूरे मेन्यू सिस्टम वगैरह सब उस पर काम करेंगे, ठीक। यहां तक बात समझ में आई, एनी क्वेश्चन एनी कंफ्यूजन एनीथिंग दैट वी वुड लाइक टू डिस्कस, ठीक। सो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो मेरे चैनल को उस पर जरूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो यू विल फाइंड कि मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसको माया के ऊपर, ग्राफिक्स के ऊपर, एनिमेशन के ऊपर, वेब डेवलपमेंट के ऊपर, PHP जावास्क्रिप्ट के ऊपर और ज़बरदस्त मल्टीमीडिया फोटोशॉप के ऊपर लेक्चर्स हैं, तो इस चैनल्स को आप विजिट कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत मुफीद और कारामद रहेगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।